Live, a platform to sharing your thoughts. मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। टीम सिटी लाइफ के इस कारवां पर हमने कितने ही पड़ाव देखे हैं, अनगिनत विषयों पर चर्चा हुई है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स की फीस से रिलेटेड सामाजिक सरोकार का मुद्दा हो, गलवान घाटी में भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान की गाथाएं हैं। हमने साहित्य से जुड़ी कई बातों पर चर्चा करी है, अनगिनत काव्य पाठ सुने हैं, अनगिनत इंटरनेशनल फेम के कवियों से हमारे को रूबरू होने का मौका मिला है, और आज पुनः इस शाम इस खास मौके पर टीम सिटी लाइव आप सभी के लिए लेकर आया है एक फादर्स डे स्पेशल प्रोग्राम। आप सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और टीम सिटी लाइव के इस फादर्स डे स्पेशल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अब तक हमने देश विदेश की जानी मानी हस्तियों को सुना और उनकी बातों से प्रेरणा ली। आज इस मौके पर हमारे साथ हैं हमारे अपने बीच के युवा पीढ़ी के कुछ उभरते हुए कलाकार और कुछ बच्चे जो हमसे अपने मन की बात करने आए हैं। हमारे साथ हैं अहमदाबाद से यश्विनी शर्मा और हमारे अपने जयपुर शहर से भूमि और मीका सोनी। आप सभी का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। मैं कार्यक्रम का आगाज करना चाहूंगी और सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगी अहमदाबाद से यश्विनी शर्मा को, जो प्रेजेंटली अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु से इकोनॉमिक्स ऑनर्स की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। Hello. So hi everybody, and first of all, a very very happy Father's Day to all the amazing fathers and to their children as well. So aaj ke is occasion mein I have written a couple of lines, before which I'd like to talk a little about my father. तो जैसे बहुत लोगों के फादर्स उनके लिए होते हैं, इवन माय फादर इज माय पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन आई नो, ही इज माय इंस्पिरेशन एंड ही मोटिवेट्स मी एवरी डे। बट व्हाट रियली स्टैंड्स आउट फॉर मी इन आवर रिलेशनशिप इज दैट इवन दो ही इज अ 50 ईयर ओल्ड मैन, वो भी 50 साल के हो गए हैं, लेकिन ही इज अ किड एट हार्ट। पापा के साथ हमेशा माहौल मस्ती का ही होता है। बिटवीन माई सिस्टर, माई सेल्फ एंड माई फादर There is always a banter going on, जो बहुत लोगों को काफी ironical लगेगा, क्योंकि मेरे father army से हैं, तो हमेशा ये perception रहता है कि मतलब जो military household होता है वो एकदम discipline का मतलब model होता है, जहाँ पे बच्चे मतलब 6 बजे उठ जाते हैं, 8 बजे सो जाते हैं, और 2 घंटे PT होती है, 4 घंटे पढ़ाई होती है। That is the perception जो हर किसी के होता है, which is true, क्योंकि पापा को discipline उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बट एट द सेम टाइम ही हैज समहाउ मेड श्योर दैट आर होम इज अ प्लेस वेयर वी आर आवर हैप्पीएस्ट सेल्फ एंड वी आर द मोस्ट कंफर्टेबल। सो इवन दो देयर इज डिसिप्लिन ऑन वन हैंड, मस्ती हमेशा बनी रहती है। सो कीपिंग दिस इन माइंड आई गोज, Your sneeze is by far the loudest I have ever heard. And when it comes to annoying me, he stands absolutely undeterred. Within seconds, he goes from being a hero to a clown, turning the entire house upside down. According to him, he's always right. And for lame jokes, he has quite an appetite. But I must admit that more often than not, he is actually right. And for me, He'll put up with any fight. I have learned from him the importance of family. The importance of family from him I have learned, because around his was his entire world. A genius in his own right, he makes everything seem all right. And mind you, by all means, I'm scared of him, but he's also the person that I confide in. This is my friend. A friend that I like to call Papa. Thank you.
बहुत ही सुंदर यश्विनी, और थैंक यू सो मच. आपकी बातें सुन के इट मेक्स अस मोर प्राउड कि हमारे बीच में आज एक आर्मी बैकग्राउंड की बच्ची है जिसने अपने और अपने फादर के, अपनी फैमिली के बारे में इतनी सुंदर बातें हमारे साथ शेयर करी. एंड रियली ये बिलीव करना बहुत मुश्किल है कि किसी आर्मी मैन की लाइफ इतनी लाइट साइडेड भी हो सकती है. बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के यश्विनी, और आपने तो अपने फादर को एक मिनट में हीरो भी बताया है, एक मिनट में क्लाउन भी बताया है, और बिल्कुल सही बात है, हर पिता हर बच्चे के लिए एक सुपर हीरो भी है, और जब मौका पड़े तो उनके लिए उनका सबसे बड़ा स्टेपिंग स्टोन, उनका पिलर और उनके लिए मोटिवेशन भी है. बहुत ही खूब यश्विनी. थैंक यू. हमारी दूसरी आज की मेहमान है हमारे साथ में, हमारे अपने शहर जयपुर से नीरजा मोदी स्कूल की आठवीं की कक्षा की छात्र मिहिका. मिहिका, मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि आप हमारे साथ अपने फादर के बारे में कुछ विचार शेयर करें. So first of all, I would like to thank Team City Life for organizing such a wonderful evening on this great day. So आज Father's Day के अवसर पे मैं कुछ बात कहना चाहूंगी. हम हमेशा माँ के प्यार के बारे में इतनी बातें करते हैं, पर हम भूल जाते हैं उस रिश्ते को जिसमें अनकहा प्यार है, वो रिश्ता जो हमारा forever यार है. हमें हमेशा छांव में रखा, खुद जला धूप में, मैंने देखा उस फरिश्ते को अपने पापा के रूप में. हाँ, हम इस रिश्ते को कभी ना कभी नजरअंदाज सा कर देते हैं, जबकि उसने सपने देखना सिखाया, उसने उड़ना सिखाया, कभी भी मेरा दिल ना दुखाया. वो खड़ा रहा हर सुख में, वो खड़ा रहा हर दुख में, कभी मेरा साथ ना छोड़ा, कभी मेरा हाथ ना छोड़ा. लव यू पापा. बहुत ही खूब. आपने देखा, इतनी छोटी सी बच्ची, मात्र 12-13 साल की ये बच्ची, और इसने अपने फादर को फरिश्ता कहा है, इसने उन्हें अपना दोस्त कहा है, इसने उन्हें एक ऐसा विशाल वृक्ष कहा है जो हमेशा हमें छांव देता है, हमें धूप सर्दी गर्मी बारिश सबसे बचाता है. मिहिका, बहुत ही सुंदर. और अब मैं आपके समक्ष पेश करना चाहूंगी हमारी गुलाबी नगरी की एक बहुत ही यंग एस्पिरेंट और उभरती हुई पोएट्रेस, भूमि को, जो जयश्री परिवार स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्रा हैं. मुझे पिछले दिनों कुछ मौके मिले हैं भूमि को विभिन्न मंचों पे सुनने के, एंड इट मेक्स मी सो प्राउड कि आज हमारे बीच में ऐसे यंग टैलेंट हैं. भूमि के पास ये शब्द, ये एक्सप्रेशंस और ये ब्यूटी कहाँ से आई है, डेफिनेटली इस प्रोग्राम के आगे मैं उनसे ये जानना चाहूंगी. भूमि, आज आप हमें क्या सुना रही है? थैंक यू सो मच. नमस्ते, मेरा नाम भूमि सगानी है. सबसे पहले तो मैं सिटी लाइफ को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी. टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू से इज अ स्टोरी ऑफ एवरी लिटिल प्रिंसेस एंड हर फादर ऑन दिस वेरी स्पेशल ओकेजन ऑफ फादर्स डे. There once lived a small girl, a princess in her own fairyland. She grew up listening her hero singing her every favorite band. Every song would make her elate. She would dance all day, caring very little about the world that certainly was filled with hate. Her nights were cozy, her day way too rosy. She would spend it all being a little too losy. Every ring, her ring bell, her enemy, except when it was her daddy. Each gift he bought was another mystery she sought. Played a little while and fought for one more she fought. Her struggles were small, asking for a chocolate, an ice cream, or even a doll. Her world not too big either, consisting of mom, dad, and only her. She was their princess, their angel, too, and their fairy tale was almost picturesque. She would crawl over her dad, give him headaches, jumpy him, and in seconds forget all her mistakes. Her eyes were shining, her hopes were lining, and even with her growing age, she would irritate no one with her whining. Soon, she had to go to school, trust people she never met,
And to tell all that happened, she couldn't wait for the sunset. Her dad would come and his princes would rant. Each lesson she conquered was celebrated in a way little too grand. Soon her world began expanding. Her flights were now had a different landing. Now her hero was no more her dad. The definition changed into something the film industry had. But she still was his little princess, again forgiven for each of her mess. She grew up more, moved to her teens, and all her day went into those screens. Now she would stay in her room, not coming out much. Her fairy tale changed into a movie, depriving her of any familiar touch. Every taunt or advice was considered bad, and soon she started hating her dad. Jaise har pehlu ke do sire hote hain, waise hi is kahani ka ek naya daur aaya. दूरियों से भरा हुआ, मुश्किलों से सना हुआ, एक उदासी का वक्त आया। पापा अब रोज लेट आते और वो जल्दी ही सो जाती। हाँ, घूमने वो जाते थे, पर वो वहां भी कुछ ज्यादा कह नहीं पाती। दोनों अलग हो रहे थे और अब कुछ ज्यादा बात नहीं होती थी। दोनों ही थे। शायद अब She no more waited for him, neither was there any gift, and while living together, they could see a drift. But even in middle of this mess, she remained the princess. Every time she tried something new, inch by inch, his mess grew. It was getting difficult to express, talking, using everything was gathering up for another stress. Everything was limited to following each other's order, although each day he would silently try to reward her. She didn't see his efforts. She now no more believed to be the princess. She couldn't stand the silences. She was way too much into distress. I'm so sorry, net problem ho gayi thi. Koi baat nahi. I'll start from where I left. She didn't see his efforts. She now no more believed to be the princess. She couldn't stand the silences. She was way too much into distress. Soon she grew up more, about to leave her home. She had to decide where to go. Just a second. And so she started to roam her, he saw it, like always, he saw this too. He saw her difficulty and held her through. She could still not see how caring and supporting was he. She started shouting, telling him he knew nothing, ran away from her fairyland to become a different something, and how along a long way, she realized how all her life as his daughter, she identified, how safe was it with its own risk, how in this fairy tale, she was the only princess that exists. This was the poem. Wow. Bahut hi sundar, Bhumi. Aur internet ki problem to koi baat nahi, technological hiccups hain, aate hain. Somebody has rightly said, for a daughter, you can outgrow my love, but you can never outgrow my heart. और ये है जो भूमि ने अभी अपनी कविता में हमको बताया, किस तरह से बचपन से हमारे लड़कपन में, फिर हमारे और जवानी के दिनों में पापा हमारे साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनसे किसी तरह की दूरी बना लेते हैं. बहुत से कारण होते हैं, हम अपने दोस्तों में बिजी हो जाते हैं, हमें कभी कभी ये लगने लगता है कि शायद वो आप पुरानी जनरेशन के हो गए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है. बट पापा सब जानते हैं, पापा हमेशा जानते हैं कि उनके बच्चों को क्या चाहिए और कब चाहिए. बहुत सुंदर. आज इस मौके पर मैं अपनी एक कविता भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी. इसका मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ. कुछ सालों पहले एक फिल्म आई थी, दिल धड़कने दो. उस फिल्म के क्लाइमेक्स सीन में जो नायक है वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जाता है, और
और शिप से भाग रहा होता है, तब वो अपने पिता को बोलता है कि पापा मैं कुछ भी करूं लेकिन मुझे पता है कि आप मेरी लाइफ बोट हो। तो ये मेरी इस पोएम का बेस है जहां से मैंने इसको लिया है, पेश है। पोएम का टाइटल है पापा मेरी लाइफ बोट। उंगली पकड़ चलना सिखाया, भीड़ में बढ़ना सिखाया, है जहां पथरीली राहें गर्म थपेड़े लू हवाएं, है जहां पथरीली राहें गर्म थपेड़े लू हवाएं, उस जेठ दोपहरी में पापा मेरे बरगद की ओर, उस जेठ दोपहरी में पापा मेरे बरगद की ओर। कभी रहा ऐसा भी वक्त, मौसम था ठंडा सख्त, बर्फीले तूफानों में और सर्दी की उन रातों में, जाड़ों में गर्म मखमली पापा मेरे ऊनी कोट, जाड़ों में गर्म मखमली पापा मेरे ऊनी कोट। चले जीवन सफर की लंबी डगर पे, पहला कदम उठाया, कुछ कर दिखाएंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, पर थी जरूरत रंग रंगीले कागज की, हर काम को शुरू करने के लिए एक छोटे से उस गांधी बाबा की जरूरत होती है, पर थी जरूरत रंग रंगीले कागज की, तब भी पापा थे एटीएम जो बरसाए नोट। जब समुद्र की लहरों पर हम गोते खाते, जब समुद्र की लहरों पर हम गोते खाते, चीर रहे सागर के ज्वार को है हिम्मत उतर सकेंगे पार तो, चीर रहे सागर के ज्वार को है हिम्मत उतर सकेंगे पार तो, क्योंकि जीवन के इस तूफान में पापा मेरी लाइफ को, पापा मेरी लाइफ को। अभी जब हम लोग सब बातें कर रहे थे तो मैं देख रही थी कि मुझे मीका को देख के ऐसा लग रहा था कि उनके मन में कुछ और भी विचार आ रहे हैं जो वो शायद कुछ कहना चाहती हैं, हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं। मीका बताएं। Absolutely. So, as I was listening to the other speakers, I wondered how is that we are living in an era where we need a particular day to show our love to the person who is sole cause of our existence, the sole cause of our happiness, who is the epitome of that's all good, who enriches our lives and make it really worthwhile. अंत में मैं बस अपनी भावनाओं को कुछ यूं जाहिर करना चाहूंगी। पिता की जगह कोई बांट नहीं सकता, पिता की जगह कोई बांट नहीं सकता, उनके आशीषों को अब भगवान भी काट नहीं सकता। Happy Father's Day to all the Supermen, guardian angels, guiding star out there. Love you today and always. Very good. बहुत ही खूबसूरत मीका, और इस छोटी सी बच्ची ने कितनी गहरी बात कही है कि आज इस दुनिया में, इस एरा में हमको क्या होता जा रहा है कि हम हमारे रिश्तों में प्यार, अपनापन सब जाहिर करना भूलते जा रहे हैं। क्यों ऐसा होता जा रहा है? ये एक अलग मुद्दा है जिसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। यश्विनी, आप से मैं कुछ जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने अभी बताया आपके फादर आर्मी में रहे हैं, और डेफिनेटली जो एज सिविलियंस आउटसाइडर्स हम लोगों के लिए है, आर्मी बहुत ही एक अलग तरह की लाइफ होती है, खुद आर्मी मैन के लिए और उनके घर वालों के लिए। तो मैं थोड़ा सा कुछ उस बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि आपको डेफिनेटली we all are proud of our army men, लेकिन how is that pride different for you? That pride is different for us in the fact that जो हम वहाँ देखते हैं, when like for me especially, my dad was away for about 7 to 10 years where we were living in Pune and he was in Kashmir, and at that time मेरे को वो pride उतना नहीं समझ आता था, क्योंकि तब मेरे को बस लगता था ये मेरे पापा हैं। आज जब मेरे पापा मेरे साथ रहते हैं, एंड नाउ टुडे व्हेन आई रीड न्यूज, जैसे हमने अभी 20 सोल्जर्स की न्यूज पढ़ी है और ये सब मैं पढ़ती हूँ, तब मेरे को रियलाइज होता है कि वो जब 10 इयर्स, उन 10 इयर्स में मेरे को बस इतना था कि मेरे पापा छुट्टी पे कब आएंगे,
मेरे को उस बात का रियलाइजेशन ही नहीं था कि वो वहां क्या कर रहे हैं. अभी जब वो मेरे पास रह रहे हैं तो मुझे उस बात का रियलाइजेशन है. तो द प्राइड इज डिफरेंट इन द सेंस कि तब उतना प्राइड होता ही नहीं है. तब हमारे पास सिर्फ प्यार होता है, हमको बस हमारे पापा को देखना होता है, हमें बस चाहिए कि वो छुट्टी पे कब आएंगे. तो और जब वो आते हैं तब वो यूनिफॉर्म में थोड़ी आते हैं जो हमको पता लगेगा कि हम मेरे पापा आर्मी ऑफिसर ये करके आए हैं. तब तो वो हमारे जैसे सिविलियन कपड़ों में आते हैं और हमको बस पापा ही दिखते हैं. तो आज जब मैं दूसरों के बारे में सुनती हूँ तब मुझे लगता है, तब मुझे वो प्राइड महसूस होता है. तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमारे पापा, हमारे जो फादर्स होते हैं, दिस इज समथिंग सो ग्रेट अबाउट देम कि वो नॉट जस्ट इन द आर्मी, वो वर्क प्लेस पे कुछ और होते हैं, लेकिन हमारे पास जब वो अपने बच्चों के पास आते हैं तो वो अपने आप को एकदम ट्रांसफॉर्म करके उनके फ्रेंड के जैसे और उनके पापा जैसे आते हैं. दे डोंट ब्रिंग बैक देयर वर्क टू अस. चाहे उनको वर्क पे कितना भी टेंशन हो या कोई भी प्रॉब्लम्स हो, दे डोंट ब्रिंग इट होम. फॉर यू देयर ऑलवेज योर फादर. बहुत अच्छा लगा यश्विनी आपको सुन के. भूमि आप कुछ और हमसे शेयर करना चाहेंगी, कुछ बात करना चाहेंगी? जी, मेरे पास, मैंने एक लेटर लिखा था पापा को. वो इतना इजी नहीं है ऐसे बताना, बट मैं पापा को बोलना चाहूंगी. डियर पापा, ईच टाइम आई हर्ड यू सिंग आई ट्राइड कॉपिंग अ लिटिल, आई ट्राइड नोइंग ऑल द लिरिक्स, ट्राइंग शोइंग देम टू पीपल. डियर पापा, some songs will forever remain your gift to me, and no matter wherever I am in the world, whenever I will listen to them, I will remember you singing them for me. Dear Papa, no romantic song will ever reach the level of poems you sung for me. No lullaby will ever come close to how we slept under your words. Dear Papa, before planning out everything, I will ring you, knowing how safe this place is, and knowing with this hand wishing me luck, nothing can go wrong. Dear Papa, I promise to never grow out of your little girl, because without being her, I know I would be lost anywhere I go. Dear Papa, every poem I've ever written is unfinished until you don't review it. Every step I have ever taken or will take is unfinished until you don't bless it. Dear Papa, I know one thank you is not enough, but thank you for always being there, always supporting all my plans, always guiding me to my best, always helping me with every life test. Dear Papa, I cannot say it enough times, but I really do love you a lot. I love you because of all our problems you so conveniently solve. Thank you. बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर. और सही बात है कि हम को अपने बचपन को बनाए रखना चाहिए. बहुत सारे कारण हैं उसके. उस बचपन से खुशी मिलने का एक बहुत बड़ा जरिया रहता है हमारे पास, हमें हमारे परिवार, परिवार जनों से जोड़े रखता है वो. और डेफिनेटली जैसा भूमि ने अभी कहा कि अगर मैं वो छोटी बच्ची बनके ना रहूं तो शायद मैं बहुत कुछ सीखना, समझना और अपने बड़ों से बहुत कुछ पाना छूट जाएगा. तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जो हमारे तीनों मेहमानों ने आज कहा कि थैंक यू एक बहुत छोटा सा शब्द है उस इतनी बड़ी शख्सियत के लिए जो आज यहाँ इस समय हमारे वजूद का सबसे बड़ा कारक और कारण दोनों है. थैंक यू इज अ वेरी स्मॉल वर्ड फॉर अ ग्रेट मैन लाइक फादर. स्टिल क्योंकि ये एक परंपरा है तो मैं सभी पिता को, चाहे वो मेरे पिता हैं, मेरे श्वसुर हैं, मेरे बच्चों के पिता हैं, मैं सभी को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे जीवन में हैं, हमारे जीवन को इतना सुख, इतना मंगलमय किया है. विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी फादर्स डे. नमस्कार.